हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसएस का लेसन फर्स्ट। आज बेटा हम करने वाले हैं उसकी बैक एक्सरसाइज। देखिए, आज हम पहले करेंगे उसके ट्रू फॉल्स, जो आपके पेज नंबर 6 के ऊपर है। तो देखिए, रशिया इज़ स्मॉलर देन इंडिया। अब वो क्या कह रहा है कि जो रशिया है वो स्मॉलर है, छोटा है इंडिया से? नो। तो इसमें क्या आएगा आपका बेटा? फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। तो ये क्या आएगा हमारा? ट्रू। क्या आ जाएगा हमारा? ट्रू। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। ट्रू। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान is to the east of India? No, false. Next देखिए आप, Sri Lanka is to the south of India. True. Sri Lanka is to the south of India. True. दोबारा देख लीजिए बेटा, Russia is smaller than India. False. India is located in Asia. True. पाकिस्तान इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। फॉल्स। श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। ट्रू। अब आप आगे निकालिए अपना, आप निकालिए पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 निकालिए बेटा आप। देखिए, इट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। आगे उसने आपसे पूछा है, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। अरुणाचल। क्या आएगा? अरुणाचल। नेक्स्ट बेटा देखिए आप, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? गोवा। कौन सी है बेटा स्मॉलेस्ट स्टेट? गोवा। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा। नेक्स्ट देखिए आप, दिस स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। दिस स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। देखिए, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए इसके कीवर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? फ्रंटाइल, अ लैंड और बॉर्डर सेपरेटिंग टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज़ को अलग अलग करते हैं, यानी कि सीमा उनकी जो टू कंट्रीज़ को अलग अलग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका दे रखा है कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन क्या होती है? लैंड अलोंग अ कोस्ट, ऐसी भूमि जो किसके साथ लगी हुई हो? तट के साथ। मीन्स जो समुद्र के आसपास की जो भूमि होती है उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं हम? कोस्ट लाइन। अब नेक्स्ट उसने आपको क्या दे रखा है? नेबरिंग कंट्रीज। क्या दे रखा है? नेबरिंग कंट्रीज। उसके नेम से ही क्लियर है, कंट्री डैट शेयर बाउंड्री विथ वन अनदर, ऐसी कंट्रीज जो अपनी जो बाउंड्री है उसको शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो हमारी कैसी हुई? नेबरिंग कंट्रीज हुई, आसपास जो हमारे हुई। फिजिकल डिवीजन्स। अब फिजिकल डिवीजन्स की हमने बात की थी लेसन के अंदर, अ डिवीजन ऑफ लैंड फॉर्म बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, यानी अलग अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, पहाड़ हो गए, प्लेट्यू पठार हो गए, एंड प्लेन्स और बड़े बड़े मैदान हो गए। तो ये तो थे बेटा आपके कीवर्ड्स। ठीक है। अब आप देखिए इसका रीकैप, जो इम्पोर्टेंट्स बातें इस लेसन्स में कही गई हैं। फर्स्ट दे रखा है, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया इज़ द
सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है. नेक्स्ट देखिए, ओनली सिक्स कंट्रीज रशिया, कैनेडा, यूएसए, आप अपनी बुक पे फिंगर रखना, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन इंडिया. ये जो हैं ये इंडिया से बिगर है, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया. अब इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? एशिया के अंदर. इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया. नेक्स्ट देखिए आप, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. वो सेकेंड नंबर पर है जो हमारा इंडिया है, पॉपुलेटेड कंट्री पूरे संसार के अंदर. आगे देखिए, इंडिया स्ट्रेचेस अबाउट 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,933 किलोमीटर्स 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नेक्स्ट देखिए आप तो बस सुनिए और फिंगर आपकी आपकी बुक के ऊपर हो. नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अवर नेबर्स. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी हैं. आगे देखिए बेटा, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट देखिए, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. दोबारा देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की. आगे देखिए, इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू सिक्स फिजिकल डिवीजन्स. ठीक है, अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए आप अपना. देखिए, इंडिया इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका या फिर यूरोप या फिर एशिया. तो इसका क्या आएगा बेटा? एशिया. क्या आएगा? एशिया. नेक्स्ट देखिए, टू विस साइड ऑफ इंडिया इज मालदीव्स लोकेटेड. ईस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ? साउथ. तो देखिए बेटा, टू विस साइड ऑफ इंडिया इज मालदीव्स लोकेटेड ईस्ट साउथ या फिर नॉर्थ. क्या आएगा हमारा? साउथ. क्या आएगा? साउथ. नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया. 28. क्या आएगा? 28. नेक्स्ट देखिए, नेम द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल या फिर ग्वालियर
या फिर इंदौर, क्या आ जाएगा? भोपाल, क्या आ जाएगा? भोपाल। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान, क्या आएगा? राजस्थान। आगे देखिए बेटा आप इसके फिलअप्स, ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, साउथर्न, क्या क्या ऑप्शन है? साउथर्न 15,200, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, अरेबियन सी, चाइना, अरेबियन सी, चाइना। देखिए आप, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर डैश चाइना, क्या आ जाएगा? चाइना। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर डैश, तो इसमें आ जाएगा चाइना। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया, तो इसका आएगा बेटा साउथर्न, क्या आ जाएगा? साउथर्न। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द डैश, लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन द डैश, अरेबियन सी, क्या आएगा? अरेबियन सी। वो कहाँ पर लोकेटेड है? अरेबियन सी। आगे देखिए, द लैंड फ्रंटाइल ऑफ इंडिया इज अबाउट डैश किलोमीटर लॉन्ग, वह कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आगे देखिए, डैश इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसका हमारा आ जाएगा न्यू दिल्ली, क्या आ जाएगा? न्यू दिल्ली। अब आगे आप देखिए इसके मैच इट, सिक्किम, सिक्किम का क्या आएगा? गंगटॉक। त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या आएगा? मुंबई। तमिलनाडु, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई। हिमाचल प्रदेश शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक है, तो ये तो थे आपके इसकी बैक एक्सरसाइज, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन आंसर्स ये वाले नहीं हमने करने, क्योंकि ये तो हम पहले लर्न कर चुके हैं। आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है आप अपना वो निकालिए, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उस पे आपको दिए हुए हैं लेसन फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, आप वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें इसमें क्या दे रखा है, इन विच कंटिनेंट इंडिया इज लोकेटेड। दोबारा देखिए, इन विच कंटिनेंट इंडिया इज लोकेटेड, क्या आएगा? एशिया, क्या आ जाएगा हमारा? एशिया। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना, क्या आ जाएगा? चाइना। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा? इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विच आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया, देखिए विच आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया, फर्स्ट है लक्षद्वीप इन अरेबियन सी,
लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, 28 स्टेट्स ऑलरेडी, 29 बट जम्मू एंड कश्मीर, अब क्या है जो जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट देखिए, 9 यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी, 7 बट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रिसेंटली फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच नेबरिंग कंट्रीज इंडियंस डू नॉट नीड अ वीजा टू विजिट, नेपाल एंड भूटान। इन विच नेबरिंग कंट्रीज इंडियंस डू नॉट नीड अ वीजा टू विजिट, नेपाल एंड भूटान। वट इज अनदर नेम फॉर K2, वट इज अनदर नेम फॉर K2, विच इज सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कौन सा है, गोडविन अस्टिन। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, गोवा। एक बार आप ध्यान से देखेंगे दोबारा से इन क्वेश्चंस को बेटा। इन विच कंटिनेंट इंडिया इज लोकेटेड, इन विच कंटिनेंट इंडिया इज लोकेटेड, एशिया। नेक्स्ट देखिए, विच इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना। विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। विच आर द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, 28 स्टेट्स ऑलरेडी, 29 बट जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी। आगे देखिए, 9 यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी, 7 बट जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट ऑलरेडी, 29 बट जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, और 9 यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी, 7 बट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए, इन विच नेबरिंग कंट्रीज इंडियंस डू नॉट नीड अ वीजा टू विजिट, नेपाल एंड भूटान। वट इज अनदर नेम फॉर K2, विच इज सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, गोडविन अस्टिन, क्या आ जाएगा, गोडविन अस्टिन। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है बेटा, गोवा। तो देखिए, इस तरीके से जो ये है आपका लेसन, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखना कि आपको होमवर्क क्या करके लाना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए आपको क्या करना है होमवर्क में। एसएस के होमवर्क में आपको करने हैं फिलअप, क्या क्या करने हैं फिलअप, मैच इट, एक आपको फिलअप करने हैं जो आपकी बुक में है, मैच इट करने हैं जो आपकी बुक में है, कीवर्ड्स करने हैं वो भी आपकी बुक के अंदर हैं, और जो रीकैप है वो भी आपकी बुक के अंदर है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स आप वो नहीं करेंगे जो आपकी बुक में है, आपको वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बेटा जो आपके क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स आप क्वेश्चन बैंक वाले लिखेंगे, स्टेट और कैपिटल आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आपने लास्ट वीडियो में आपने कर लिए हैं लर्न करके, ठीक है। तो आज का जो आपका वर्क है दोबारा सुन लीजिए, जो आपको घर से अच्छे से करके आना है वो है फिलअप, घर से करना है आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में फिलअप, मैच इट, कीवर्ड्स, रीकैप और क्वेश्चन आंसर्स, वो बेटा जो आपके क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है उसके, सारा कुछ आपको लर्न करके लिखना है और अच्छा अच्छा लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।